LCM topic least common multiple. In the previous video, we have discussed about the what is the LCM. And LCM has two types. First, prime factor method and second is the common division method. Mostly we prefer common division method. Why? Why we prefer common division method? We prefer common division method because prime factor method is too long. So we use mostly common division method. So what is the concept behind this LCM? हमने प्रीवियस वीडियो में एलसीएम फाइंड आउट किया. प्राइम फैक्टर से हमने क्या करे, बहुत सारे फैक्टर्स निकाले और हमने जो मोस्ट कॉमन संख्या रिपीट हो रही थी उसका उसको लिखकर एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. इसी तरीके से हमें कॉमन डिवीजन में जितने यहाँ बगल के फैक्टर्स थे उनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया. बट इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, आखिर ये एलसीएम होता क्या है? सो हम समझने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इस एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ मैं 3, 4, 6. Please write table of the 3, 4, 6. तो देखिए हमने क्या करा, 3, 4, 6 इन तीनों की हमने क्या लिख ली है, यहां पर टेबल लिख ली है. ये इस तरीके से हमने टेबल लिखी है. अब देखिए होगा क्या, यहां पर हम पढ़ने वाले लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो देखिए ये मेरे सारे मल्टीपल है, ये जितने भी है 3 के सारे मल्टीपल है, ये जितने भी है सारे 4 के मल्टीपल है, और ये जितने भी है मेरे सारे क्या है, 6 के मल्टीपल है. तो देखते जाते हैं हम, ये तो हमने देख लिया सारे मल्टीपल है, लेकिन बात करेंगे हम कॉमन मल्टीपल की. हमने क्या देखे कि सब मल्टीपल, अब बात करेंगे किसकी, कॉमन मल्टीपल की. तो कॉमन मल्टीपल ढूंढिए, ये तो कॉमन है ही नहीं, इसमें देखिए 6 इन दोनों में तो आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा. देखिए कॉमन मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, सबसे पहले 12 एंड 12, ये मेरा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है. इसके बाद में देखिए क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है. तो देखिए ये मेरा कॉमन नहीं आ रहा है, ना ही मेरा ये कॉमन है. इसके बाद में देखिए मेरा क्या कॉमन आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. उसके बाद देखिए मेरा कौन सा कॉमन आएगा, उसके बाद मेरा कॉमन 30 इसमें आ रहा है, 30 इसमें नहीं आएगा, लेकिन 30 इसमें आ रहा है. तो देखिए यहां पर हमें दिखने वाले हमने सारे कॉमन टिक कर लिए हैं. अब आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि यहाँ पर इस तरीके से क्या चलते जाएंगे, इसके मल्टीपल चलते जाएंगे. देयर आर सो मेनी मल्टीपल्स, बहुत सारे मल्टीपल मिलने वाले हैं हमें आगे जाकर, लेकिन हमने अभी सिर्फ इतना ही देखना है. तो देखिए इसके अंदर से बहुत सारे मल्टीपल ले लिए हमने कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन पॉइंट पर जाइए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट, इस लीस्ट वर्ड पर जाइए. तो देखिए लीस्ट का मीन्स क्या हो गया, सबसे पहला, ये सबसे कम वाला. तो देखिए यहां से मेरा कॉमन मल्टीपल स्टार्ट हुए, दूसरे टाइप के हुआ, आगे चलते जाएंगे मेरे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल, लेकिन मेरा सबसे छोटा मल्टीपल क्या क्यों है ना, ये 12. तो मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन गया, 12. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन गया मेरा, 12. तो कहने का मतलब 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है मेरे पास, 12 होता है. आई बात समझ में, ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट कि आखिरकार ये एलसीएम इस तरीके से क्यों आता है. नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले इस एलसीएम पर बेस्ट कुछ ट्रिक्स तो देखिए, ट्रिक्स मतलब कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनको आप सेकंड्स में एलसीएम सॉल्व करेंगे. मान लीजिए कभी कभार आपको सिर्फ पूरा डिस्क्राइब नहीं करना है और आपको सिंपली वे में एलसीएम बताना है. कभी कभार होता है कि हमसे कोई मजाक में पूछ लेता है कि हाँ बच्चों इसका एलसीएम बताओ, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा फटाफट से, उस टाइम पर बच्चे नहीं बता पाते. तो मेरे अकॉर्डिंग इस शॉर्ट ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी है. आई थिंक ये ट्रिक आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाली है, क्योंकि बच्चों का क्या होता है इससे माइंड बहुत शार्प होता है. छोटी छोटी चीजें करने से हमारी कैचिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नेसेसरी फॉर यू. सो फर्स्ट ट्रिक, इफ अ क्वेश्चन लाइक दिस 4, 6, 8, 12, 24, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक. हमारी फर्स्ट ट्रिक क्या कहती है, देखिए ट्रिक नंबर 1, अगर आपके सारे नंबर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो, देखो हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं दूसरे से कट रहे होंगे, तो जब भी आपको सबसे पहले एलसीएम में कौन सा नंबर देखना होता है, हमेशा बड़ा नंबर देखना होता है. कौन सा देखना होता है, बड़ा. देखिए सबसे बड़ा मेरे पास यहाँ पर क्या है, 24.
4 बाकी के सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? तो मैं सबसे पहले सारे इस बड़े नंबर को देखती हूँ। देखिए ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, राइट? क्या 6 से हो रहा है? हाँ 6 से भी हो रहा है। 8 से? 8 से 24, 12 से? 12 से 24, एंड 24 कुछ से तो होगा ही सही डिवाइड। तो मींस जब भी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि अगर सबसे बड़ा वाला नंबर, क्या सबसे बड़ा वाला नंबर बाकी के लिखे हुए सारे छोटे नंबरों से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो क्या कहलाएगा? वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। देखिए इस एग्जांपल में साफ साफ दिखाई दे रहा है 24 इन बाकी चारों से डिवाइड हो रहा है, मींस इस संख्या का, इन सारे नंबर का एलसीएम डायरेक्टली मेरे पास क्या आने वाला है? 24। अब आपको ये ट्रिक अगर एक बार समझ में आ गई ना, तो इसको सॉल्व करने में या फॉलो करने में सिर्फ 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। आपको देख के समझ में आ जाएगा सब डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो गया, 24 हो जाता है। अब हमारी आती है हमारी सेकंड ट्रिक की। अब हमारी सेकंड ट्रिक क्या होने वाली? अब क्वेश्चन ये है 4, 12, 16, 24। दिस इज आवर क्वेश्चन। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अ ट्रिक 4, 12, 16, 24। देखिए मैंने अपने पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे बड़ा नंबर उठाइए 24। क्या ये 4 से डिवाइड है? यस। क्या ये 12 से डिवाइड है? यस, कंप्लीटली डिवाइड है। बट जो डिवाइड है उनको तो काटते जाओ। 4 डिवाइड कर रहा है, काट दो इस 4 को, और 12 डिवाइड कर रहा है, 12 को भी काट दो। अब देखो मैं 16 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 24 को, नहीं कर रहा है, क्योंकि 16 कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये क्या चक्कर है कि 16 डिवाइड नहीं कर रहा? आप कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर 16 की जगह 6 होता तो हम क्या करते, इसको कह देते 24। हमारा आंसर क्या है? 24। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 16 डिवाइड नहीं कर रहा। अब इन दो नंबर को तो छोड़ दीजिए आप। अब एलसीएम क्या होने वाला है देखते हैं। इन दोनों के बीच की कहानी देखेंगे आप कि क्या मैं इस 24 को, क्या मैं इस 24 को कुछ ऐसा बना दूं कि जिससे क्या हो, 16 पूरा पूरा डिवाइड कर जाए। मतलब क्या बनाना है, जैसे 2 और 3 के मल्टीपल में बना दो कुछ, 2, 3, 4 के मल्टीपल में। देखिए मैं देख रही हूँ, अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 48 होता है। क्या होता है? 48। अगर मैं इस 24 को 48 बना दूं तो क्या ये 16 डिवाइड कर रहा है इसको? हाँ कर रहा है, 16 इसको 48 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। तो कहने का मतलब मेरा एलसीएम क्या हो गया? 48 हो गया। आई थिंक आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए डिवाइड करके देखिए, हमने देखा है दोनों डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को भी काट दो, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं कर रहा तो इसे पेंडिंग में डाल दो। फिर करना क्या, इस पे हम कहानी करने वाले हैं। इस पर क्या कहानी होगी कि देखिए, क्या मैं 24 को 2 और 3 के मल्टीपल में कुछ ऐसा बना लूं जो मेरा ये पूरी संख्या इसको डिवाइड कर दे। देखिए मैंने 24 को क्या किया, उसे मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरा 48 आ गया। अब क्या ये 16, 48 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, 16 3 48। तो मतलब अब मेरा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। आई होप दिस विल अंडरस्टैंड बाय यू। नाउ वी विल सी अबाउट थर्ड ट्रिक, ट्रिक नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द ट्रिक 3 वी विल टेक द क्वेश्चन 8, 16 and 17। This is our question 8, 16, 17. Here is the same story. क्या करिए, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हमने माना कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर चल रहे हैं। अब देखिए मैं पहले 8 को ले रही हूँ। 8 क्या 16 को डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है। मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ, 8 को तो मैं काट दू। अब देखिए अभी तक तो मेरा एलसीएम मुझे क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। लेकिन मैं जैसे इन दोनों नंबर्स में कंपेयर करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा 17 क्या है, प्राइम नंबर। आपके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर किससे डिवाइड होते हैं? 1 से, लाइक 1, 3, 5, 7, 11, 13 and so on। ये सब क्या है? हमारे प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद से या एक से ही डिवाइड होते हैं। तो 17 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ खुद से या फिर 1 से ही डिवाइड होता है। तो हमें लग गया कि 16 तक हमारा एलसीएम आ चुका है। अब रुक जाओ, ये हमारा एलसीएम बन गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में कंपेयर करूं, देखिए प्राइम नंबर है तो बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे पता है 16, 7, 1, 1, 12 होता है 2, कैरी आया मेरा 11, 16, 1, 61 + 11, 27। तो मेरा एलसीएम क्या आ चुका है यहाँ पर, 272। दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now we will see about the trick number 4. So we will take question like this 4, 12, 17 and 24. Now we will take this type of the question. फिर देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। देखिए मुझे सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है।
कर दीजिए। 12 का इसको डिवाइड कर रहा है पूरा, 12 इस 24 यस पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए कहानी, अब तक मेरा एलसीएम क्या बन रहा है 24, लेकिन मैंने देखा ही 17 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैंने देखा कि यहां पर ये कि 17 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो कोई फायदा नहीं है इनको देखने का। डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 4 68 68 का 8 कैरी आया 6, 17 to 34, 34 6 40, तो आपका एलसीएम क्या बन गया 408। दिस इज योर आंसर बाय दिस ट्रिक। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर यू टू सॉल्व द एलसीएम इन द 2 or 3 seconds। बट ये समझिए बात कि आपको एक बार पढ़ने से शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी। प्लीज रीड दीज शॉर्ट ट्रिक्स अगेन एंड अगेन सो मेनी टाइम्स। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, you will solve LCM in 2 or 3 seconds one day. So, thank you. Take care. Bye-bye.